और भैया आप कहाँ जा रहे हो? इधर देखो भैया, देखिए दोस्तों, भैया स्कूल जा रहे हैं। आज 7 तारीख है और दिसंबर का, और बारिश देखिए इस तरह से, ये तीसरा दिन है आज बारिश का, जो चेन्नई में तूफान उठा है ना उसी का है ये। तो अभी शायद पता नहीं कितने दिन तक और रहेगा, और कल से इसका यूटी टेस्ट है, तो आज जाना तो ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग एबसेंट कभी नहीं करते हैं, हम लोग की जब तबीयत ख़राब होती तभी एबसेंट होता, अदरवाइज़ हम लोग जाते ही जाते हैं। और दूसरा चिपकूमल यहाँ चिपका हुआ है, ये देखिए टोपी वोपी के साथ, और भैया लोग वहाँ निकल रहे हैं। और हम लोग रोज़ भी सी ऑफ करने जाते हैं बाहर, लेकिन आज हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश है। हालांकि हमारे पास छतरी है यहाँ, ये जा सकते हैं, पर हम लोग सोच रहे हैं आज नहीं जाएंगे क्योंकि मोबाइल पकड़े, बच्चा पकड़े या फिर छतरी पकड़े, तो आज हम लोग नहीं जाएंगे। और दिन का फिर क्या क्या शेड्यूल है आज, आज का तो आप लोग जान ही लें। बाय बाय भैया। तो आज का दिन का शेड्यूल तो बस ऐसे ही रहेगा, घर के अंदर अंदर वाला। सो कैसा क्या रहेगा वो सारा दिन का, आज का वीडियो पता नहीं कैसा होने वाला है, बोरिंग भी हो सकती है, पर प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ समय से मेरा वीडियो लगातार नहीं आ रहा था, आप लोगों को पता है मेरा फ़ोन नहीं था, तो अब मेरा फ़ोन आ चुका है, तो अब मेरी वीडियो जो है वो लगातार आएंगी। और अंदर का मैं कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखिए, बाबू के लिए मैं यहाँ पे नाश्ता बना चुकी थी और उसको खिला के नाश्ता मैंने भेजा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों का सारा कुछ अभी बिखरा हुआ है, अभी सब ठीक हो रहा है, ये मगदली ठीक कर रही है। और इसका भी आज एग्ज़ाम है, पर्यावरण और कौन सा सब्जेक्ट है, संस्कृत, इसका 2 सब्जेक्ट है आज, इसका भी एग्ज़ाम चल रहा है। और हाथ में दर्द हो गया। तो दोस्तों कैसा लगता है हम लोगों का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमारी भी मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि चेन्नई में जो तूफान उठा है उसी का असर इधर भी है, सो इसी के लिए यहाँ पर भी कल से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे कपड़े मैंने कल धुले थे सो सूख गए इसी तरह पंखे के नीचे, और कल बारिश हल्की थी, आज थोड़ा बारिश ज़्यादा है और इसी तरह से चल रहा है। यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया है दोस्तों, तो मैं भुजिया बना लेती हूँ, ये रात का मेरा आज का डिनर होगा ये, और एक प्याज मुझे काटना पड़ेगा। और बच्चे को मैं दे चुकी हूँ, एक बच्चा आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे खेल रहा है, ये देखो। और बिस्तर हम लोग का लग चुका है क्योंकि आज खाना खाने में हम लोगों को लेट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 9:30 बज गया है। और बच्चे ये देखिए, अभी ये भी लेके बैठा हुआ है, दूध और रोटी लेके बैठा है, एक का हो चुका है। और मैं अपने लिए बनाऊंगी, थोड़ा सा दाल है वो पापा के लिए बचा दूंगी, थोड़ा सा भुजिया अगर वो पसंद करेंगे तो दूंगी उनको, अदरवाइज मैं ही खा लूंगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी। और मुझे ना दोस्तों अभी ये फ्रिज में थोड़ा सा ये कटा हुआ, मेरे कल मैंने इसको कट किया था, ये बच्चे के मैं उसमें डालती हूँ, छोटे वाले जो बाबू है मेरा उसकी खिचड़ी में मैं डालती हूँ, तो कल मैं फ्रेश काट लूँगी। तो आज मैं इसको ना इसी प्याज में यहाँ पे मिक्स कर दूँगी सोच रही हूँ, तो ऐसा करने से इसके पापा भी खा लेंगे, और सिर्फ प्याज पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बना रही हूँ, क्योंकि कोई सब्जी नहीं, तो मैं सब्जी बस प्याज भून के ही मैं खा लूँ रोटियाँ। पर मुझे याद पड़ा कि उसमें कुछ सब्जी कल का बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं कट की थी खिचड़ी में डालने के लिए, तो वो बच गया था, थोड़ा मैं डाली थी, थोड़ा बच गया था, आज मैं इसको डाल दे रही हूँ, और कल मैं फिर फ्रेश वाला बाबू के लिए बना लूंगी। तो दोस्तों हम लोग डिनर कर चुके हैं, और मेरा छोटा वाला बेटा अभी देखिए यहाँ सो गया है पूरा, और बड़ा वाला जो है अपने पापा के साथ उस कमरे में टीवी देख रहा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 10 अभी बजे नहीं है, हम लोग 10 बजे बिस्तर में चले जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वीडियो को मैं एंड कर दूं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, और इसी तरह से हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।